कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि साजिश के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, लेकिन मोदी जी उन्हें नहीं भर रहे हैं। उनमें से 15 लाख नौकरियां SC ST के लिए आरक्षित हैं और अगर गरीबों को उनका लाभ मिलता है तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए खड़गे ने गरीब विरोधी नीतियों के लिए भाजपा की आलोचना करते हुए कहा, खाली पदों को नहीं भरा जा रहा है। खड़गे ने कहा, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों के कारण लाखों लोग भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र बुद्धिमान राज्य हैं जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यहाँ कर्नाटक में क्या हो रहा है? बीजेपी और CM बोम्मई ने हमें जाति और धर्म के नाम पर बांटकर हमारे राज्य को बर्बाद कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।